नावा फारूकी को ऐसे रोते हुए देख के बहुत दुख हो रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि आयशा खान ने इतने सारे दुख घर के अंदर जाके दिए हैं ना, जिस चीज़ के ऊपर मुनावर माफ़ी भी मांग रहे हैं कि चल ठीक है भाई, तुझे दुख हुआ, तुझे बुरा लगा, चल मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर तूने मुझे 9 हफ्ते देखा ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं फेक नहीं हूँ, जो चीज़ें तू समझ रही है मेरे बारे में, वो सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। अगर तुझे ऐसा लगता है तो भाई मैं दरवाज़ा खोल दो, मैं चला जाऊँगा। और हो गई गलती यार, ऐसा कि ठीक है मैंने वैसा कर दिया, होगी गलती, ये सब चीज़ें जो है मुनावर फारूकी ने बोली, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है यार, मुनावर को ऐसे रोते हुए देख के, ऐसा हेल्पलेस देख के। और मुनावर फारूकी जो कि इस शो के एक्चुअली में विनर बनने वाले हैं हर जगह पर, सिर्फ और सिर्फ यही नारा है कि मुनावर बिग बॉस 17 का विनर बनेगा, वो एक्चुअली में वो अब ये बोल रहा है कि मैं वॉकआउट कर जाऊंगा, डोर खोल दो, सिर्फ और सिर्फ आयशा के कारण। और आयशा जो कि बहुत ये बात बोलती है कि मुझे धोखा दिया, बहन तूने घर के अंदर आके मुनावर फारूकी को धोखा दिया। वो जिस तरीके से अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, जिस स्ट्रांग माइंड से वो आगे जा रहा था, तुमने तो आके उसका माइंड को ही मतलब ऐसा कर दिया कि वो बंदा अभी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। तुमने बड़ा धोखा नहीं दिया मुनावर को, बहुत बुरा लगा है। और तो और यार अभी आगे दिखाया ही नहीं गया है, हालांकि मैं आप लोगों के लिए सब चीज़ें निकाल के जल्दी जल्दी लेके आ रही हूँ, जिससे आप लोग और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। मेकर्स ने तो आपको सेटिस्फाइड नहीं किया, बट आपको पता है जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। बहुत जल्दी आपके लिए आयशा और मुनावर से जुड़ी हुई हर एक गॉसिप जो है मैं लेके आऊँगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।